मेरे गले में ना खराश है आई हैव सोर थ्रोट मेरा गला गला ना बैठा बैठा हुआ हुआ है है वॉइस इज अब आप सोच रहे होंगे या गला गलाश है दोनों में क्या डिफरेंस है राइट देखिए हम इसी तरह के सेंटेंस पहले तो लेंगे गले से रिलेटेड जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे 15 से 20 सेंटेंसेस डे टू डे लाइफ के ओके सो स्टिक टिल द एंड ताकि आपको सारे सेंटेंस समझ में आ जाए एक भी सेंटेंस आपको मिस नहीं करना है और सो विदाउट फर्दर डू लेट गेट स्टार्ट मेरा गला बैठा हुआ है आई हैव अ सोर्थ थ्रोट थोड़ा गर्म पानी ले लो ड्रिंक वार्म वाटर फॉर यूर सोर्थ थ्रोट गुनगुना पानी चलेगा क्या विल विल वाटर डू विलूकॉम वाटर वर्क लूक वाटर मतलब गुनगुना पानी विल दिस डू कोई चीज चलेगा क्या काम करेगा क्या उसके लिए बोलते हैं विल दिस डू विल ल्यूकॉम वाटर डू या ये काम करेगा विल इट वर्क क्या आपका होर्सनेस जो है वॉइस से रिलेटेड है सपोज आपने बहुत लंबा आपने क्लास uh, लिया और बहुत चिल्लाया तो आपका वॉइस जो है वो बैठ गया है और सोर थ्रोट है मतलब गले में खराश है कोई इरिटेशन है समथिंग लाइक like से रिलेटेड है वो दिन भर चिल्लाने के बाद मेरा गला ना बैठ गया है माई वॉइस इज होर्स आफ्टर शाउटिंग ऑल डे आफ्टर शाउटिंग ऑल डे मतलब पूरे दिन चिल्लाने की वजह से मेरा गला बैठ गया है क्या आपके गले में खराश है डू यू है सोर थ्रोट इस तरीके से आप पूछ सकते हैं आई होप होर्स थ्रोट और सोर थ्रोट इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ गया है अब आपको बोलना है मेरा गला सूख रहा है माई थ्रोट फील्स ड्राई माई थ्रोट फील्स ड्राई आई नीड सम समॉटर मैं जब खाना निगलती हूं तो मेरा गला पेन करता है माई थ्रोट हर्ट्स वेन आई स्वॉलो वेन आई स्वॉलो माई थ्रोट हर्ट्स और माई थ्रोट पेंट्स निगलने को स्वॉलो नमक पानी से गरारा कर लो इसको आप बोल सकते हो गार्गल विथ सॉल्ट वाटर Uh, मेरे गले में ना खराश है मुझे गर्म पानी से ना गरारा करना है तो आप बोलोगे आई है सोर थ्रोट आई नीड टू गार्गल तो इस तरीके से आप आराम से धीरे से बोल सकते हो ये तो मेरा थोड़ा फास्ट था आप जब सीख रहे होगे तो आराम आराम से बोलो उसके गले में ना गांठ है तो आप बोलोगे शी हेज ए लम्प इन हर थ्रोट अगर गांठ होती है ना तो उसे हम बोलते हैं लम्ब शी हेज ए लंब इन हर थ्रोट आई थ्रोट मुझे ना गला साफ करने की जरूरत है आई नीड टू क्लियर माई थ्रोट हम क्लियर करते हैं ना ऐसा बोलते हैं राइट सो यू आर क्लियरिंग योर थ्रोट मेरे ना गले में कुछ फस गया है समथिंग इज स्टक इन माई थ्रोट समथिंग इज स्टक इन माई थ्रोट स्टक मतलब फंस जाना तो ये थे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और अगर कोई भी सेंटेंस छूट गया है लेट मी नो इन द कॉमेंट्स ये पूछते हुए कि अच्छा इसका इंग्लिश क्या होगा आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट और यस अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना तो बनता है राइट एंड लाइक और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही डेली यूज सेंटेंस से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए देन राइट डेली यूज सेंटेंसेस इज डी यू एस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी टिल मीट नेक्स्ट टाइम विथ अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग लेसन गुड बाय